जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी हिट रही। उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसके नतीजे भी अब सामने आए हैं। और 10 साल बाद हुए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सरकार बनाने के आंकड़े जुटा लिए। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है, लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 43 तो कांग्रेस को 8 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 28 पर जीत मिली। सबसे बुरा हाल पीडीपी का रहा, जो सिर्फ 2 सीट ही जोड़ पाई। लेकिन इससे ये साबित हो गया कि चाहे बिहार हो, यूपी हो या फिर जम्मू कश्मीर, जहां जहां दो लड़कों की जोड़ी मिली वहां जीत हासिल हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, तो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं, शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो हैं साबित करें। जम्मू कश्मीर में ये भी माना जा रहा था कि इंजीनियर रशीद के आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेल बिगड़ा। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से जेल में बंद इंजीनियर रशीद से बुरी तरह से हारे थे, जिसके बाद उमर ने गांदरबल और बड़गाम 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत मिली। हरियाणा में किंगमेकर का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का भले ही खाता ना खुला हो, लेकिन कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। डोडा से आम आदमी पार्टी ने जीत के साथ खाता खोल दिया है। डोडा सीट से आपके उम्मीदवार मेहराज मलिक ने बीजेपी के गजय सिंह राणा को करीब 4,700 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। डोडा सीट जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बधाई दी है। केजरीवाल ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेहराज मलिक द्वारा बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े, 5वें राज्य में एमएलए बनने पर पूरी आम आदमी पार्टी को बधाई। और इस जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भी अपना खाता खोल लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर के डोडा से जीते आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मेहराज मलिक से वीडियो कॉल के जरिए बात की है। पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं कि 5वां राज्य है जम्मू कश्मीर जहां पे अब हमारा एमएलए हो गया। जी 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 जी, बस सर आपकी थोड़ी सी प्रेरणा मिली थी, आपने कोई कदम उठाया दिल्ली के अंदर, हमें भी उम्मीदें थी, बस बदलाव चाहते हैं जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पे। हम भी आपका काम भी बहुत अच्छा है, आप पिछली बार जब आए थे मिले थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। शुरुआती रुझानों में पीछे चल रही बीजेपी ने बाजी पलट दी और जैसे जैसे वोटों की गिनती के राउंड बढ़ते गए, जश्न का माहौल कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी खेमे में पहुंच गया और बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने लगे। हरियाणा में जीत का जश्न दिल्ली में मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर पीएम मोदी के बैनर पर जीत का सहरा पीएम मोदी के सिर बांधा। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर सीएम नायब सैनी को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीत को हरियाणा की जनता की जीत बताया। ये सरकार हरियाणा के गरीबों ने, हरियाणा के वंचितों ने, हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों ने इस सरकार को चुना है। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को प्रदेश में 10 साल बाद सरकार बनाने का भरोसा था, लेकिन असल नतीजे बिल्कुल अलग आए। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहला बड़ा सीधा मुकाबला था। हरियाणा के नतीजों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं और इसकी शिकायत भी की है। और कांग्रेस ने ईसीआई की वेबसाइट पर नतीजों को अपलोड करने में देरी का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नतीजों को अपडेट करने की धीमी गति के चलते नई नई कहानियां गढ़ी गई। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं। 11:30 आते आते इनके प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन को गरियाने लगे। 12 बजे आते आते जयराम रमेश जी जो है देश की संस्थाओं पर सवाल उठाने लगे।
लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे और इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की थी। लेकिन जिस तरह से जीती हुई बाजी कांग्रेस हारी है, उससे कांग्रेस के अंदर ही अब सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद हरियाणा कांग्रेस की कलह खत्म नहीं हुई है, जिसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला। खुद राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान कई बार कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर मंच पर आए और नाराजगी दूर करने का प्रयास किया, लेकिन 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे दिखी कांग्रेस नतीजे अपने पक्ष में नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस की हार की वजहों पर नजर डाले तो जाट वोटरों में भी भरोसा कायम नहीं कर पाई। हुड्डा शैलजा टकराव से कांग्रेस को नुकसान, वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने सैनी को आगे करके एंटी इनकम्बेंसी को कम किया, साथ ही कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस को भी बड़ी वजह माना गया। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के। वहीं कांग्रेस के इस हार पर बीजेपी ने निशाना साधा। राहुल का जुमला फेल कर गया और टुकड़े टुकड़े गैंग को, राहुल गांधी को हरियाणा की जनता ने पटकनियां दे दी। तो वहीं कांग्रेस ने गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया। ये 370 कंधे पर उठाकर भी जम्मू कश्मीर पे भारी नहीं पड़ पाए। लोकसभा के चुनाव तक तो समझ आता था कि कश्मीर में आपकी हिम्मत नहीं हुई 370 के बाद भी कि आप चुनाव लड़ सकें। अब जम्मू ने भी आपको बता दिया। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी किंग मेकर बन सकती है, लेकिन दोनों ही दलों का सुपड़ा साफ हो गया। 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल पहले दिन से हरियाणा चुनाव में जुट गए थे। हरियाणा में कांग्रेस से अलग अकेले 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर काफी प्रयास किए लेकिन कामयाब नहीं हुए। सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी और आपने अकेले सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए और ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल के प्रचार का असर नहीं हुआ। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हर चुनाव कठिन होता है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के साथ गठबंधन में रही दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का भी वही हाल हुआ। 2019 के चुनाव में जेजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी, उनके पास 14.8% वोट शेयर मिला था, लेकिन 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी का वोट प्रतिशत भी गिर गया और पार्टी सभी सीटों पर पिछड़ गई और उचान कला सीट से खुद पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का बुरा हाल रहा। हरियाणा की हवा कैसे बदली, हर कोई जानना चाहता है। आखिर क्यों जवान किसान पहलवान जैसा मजबूत फैक्टर भी कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाया, आखिर कैसे जाट फैक्टर फेल हो गया। इन सभी सवालों के जवाब राजनीतिक पंडित तलाश रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि नतीजे बता रहे हैं कि किसान आंदोलन की आग ठंडी पड़ गई है। पहलवानों का गुस्सा वोट में नहीं बदल पाया, अग्निवीर का मुद्दा भी नौजवानों में जोश नहीं जगा पाया और ना ही जाटों की बीजेपी से नाराजगी कांग्रेस को हार से बचा पाई। ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। यानी सियासी जमीन पर कांग्रेस ने जिस चक्रव्यूह को रचा, पार्टी उसी में फंस कर रह गई। बड़े बड़े पहलवान भी पटखनी खा गए और बीजेपी ने बता दिया कि सियासत में उससे बड़ा कोई पहलवान ही नहीं। इसमें जो पहलवान कथित पहलवान है, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक, और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए। यानी जिन मुद्दों की हवा कांग्रेस ने बनाई, शायद वो जनता के मुद्दों से कोसों दूर थे। सबसे बड़ा खेल तो जाट वर्सेस नॉन जाट के मुद्दे ने किया और कांग्रेस के 36 बिरादरी वाले दावों का दम निकल गया। नतीजा ये हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने सियासी दंगल में कांग्रेस को पटखनी दे दी। अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जलेबी का नैरेटिव सेट किया, लेकिन उसका जादू नहीं चला और जलेबी का जश्न अब बीजेपी के खाते में चला गया। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें आई। हरियाणा में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया ही। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने जलेबी डांस किया। और अफगान जलेबी गाने पर जमकर ठुमके लगाए और एक दूसरे को जलेबी खिलाकर जीत को सेलिब्रेट किया। Oh,
वहीं हरियाणा में अम्बाला सीट से बीजेपी प्रत्याशी और हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज शुरुआती रुझानों के बाद ही अपना अंदाज बयां कर दिया था। चला गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा।